नमस्कार, मैं नीरज कुमार राठौर, घमासान.com इंदौर की विशेष परिचर्चा में आज हमारे बीच में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के मध्य प्रदेश चैप्टर के कन्वेनर सुबेर रामपुर वाला साहब मौजूद हैं। आप पिछले 5-6 सालों से भारत सरकार की इस इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से जुड़े हुए हैं। सुबेर साहब, आप थोड़ा बताइए कि कैसे MP में FIEO की शुरुआत हुई और पहले क्या सिनारियो था और आने के बाद में क्या सिनारियो रहा? FIEO जो है ये अपने काउंसिल जब मध्य प्रदेश में स्थापना हुई तो ऑफकोर्स जैसा कि आप जानते ही है, इसको जो है बड़ा एडवांटेज मिला यहाँ के सारे एक्सपोर्टरों को, क्योंकि ये जो है फर्स्ट काउंसिल है जो MP में जिसकी स्थापना हुई है। वैसे तो जो है FIEO इज द एपेक्स बॉडी और FIEO के अंदर में जितनी भी एक्सपोर्ट काउंसिल से जो तकरीबन 40-45 एक्सपोर्ट काउंसिल से, जैसे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट हो गया, EPC हो गया, फॉर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, अपने गारमेंट्स टेक्सटाइल्स के लिए जो अलग अलग काउंसिल्स बनी हुई है, तो FIEO में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अगर मल्टी प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट्स करते हैं तो उसको जो है हर, जैसे कि आपको जानकारी है कि आपको अपने कोई भी अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको किसी भी काउंसिल का मेंबरशिप या इट्स अ कंपलसरी टू बी द मेंबर ऑफ द काउंसिल। तो अगर आप जो है सपोज आप हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करते हैं देन यू हैव टू बी द मेंबर ऑफ द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट। आप अगर कोई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं तो आप जो है यू हैव टू बी मेंबर ऑफ EPC। पर जो है क्योंकि FIEO जो है इट्स फॉर द मल्टी प्रोडक्ट्स, तो अगर आप FIEO की मेंबरशिप आपके पास है तो आपको फिर किसी भी काउंसिल की मेंबरशिप लेने के लिए जरूरत नहीं है। और आपको FIEO की मेंबरशिप अगर आपके पास है तो जो है काफ़ी गवर्नमेंट के जो है एडवांटेजेस मिलते हैं, जैसे कि एडवांस लाइसेंस हो गया, ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, तो देन यू नीड द काउंसिल मेंबरशिप। और उसके अलावा भी जैसे हम जो है अपने एक्सपोर्टरों से कुछ भी डे टू डे की जो समस्याएं रहती है, कस्टम से रिलेटेड हो गया या GST, जैसे अगर GST है तो GST से रिलेटेड कोई समस्या हुई या उसकी जो है कोई अपने, तो वो सारी समस्याएं भी जो है हमारे पास एक्सपोर्टरों के लिए काफ़ी ईजी हो गया है बनिस्बत अब उसको जो है कोई बॉम्बे दिल्ली जाना जाते हुए उसका यहीं पर जो है अपने तो कल ही उसका निराकरण और समाधान हो जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में आपकी क्या राय है? मैंने सुना कि इनिशियली जब FIEO आया था तब सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नहीं दे पा रहे थे और एक्सपोर्टर लोग काफ़ी परेशान थे, कुछ प्राइवेट एजेंट के चक्कर में भी पड़ गए और ज़्यादा पैसा उनको देना पड़ गया था। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन FIEO द्वारा इशू होने से क्या एक्सपोर्टरों को सुविधा मिली इससे? एक्सपोर्टरों की सुविधा ये हुई है कि जो है हम अपने आप कोई भी एक्सपोर्टर आता है तो विद इन 1 आवर हम जो है उसको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू कर देते हैं और बड़ा ही नॉमिनल चार्ज है हमारा जो एवरेज 100 रुपीज़ में हम लोग जो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू कर देते हैं जी। और इसके पहले जो है लोगों के लिए जो जैसा कि आपने बताया कई जो बिचौलिए जो रहते हैं तो वो इसी चीज़ के लिए जो 800 से 1000 रुपये जो है एक्सपोर्टर से ले लेते थे। और जो इसके अलावा भारत सरकार की कुछ योजनाएँ चल रही है जैसे मार्केट असिस्टेंट इनिशिएटिव MAI योजना, इसमें अभी क्या क्या चल रहा है और इंदौर से कितने एक्सपोर्टर्स ने इसमें बेनिफिट लिया? ये बड़ी दुख की बात है जो है MAI जो है अपने इंदौर के जितने हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं अभी इतने जो है अपने यहाँ से लोग जा नहीं पा रहे हैं। कुछ जाते अच्छा। भी है, कुछ जा भी रहे हैं, तो फिर भी जो है ये मेरी मतलब पर्सनली आई विश, और मैं हमेशा जितने भी हमारे सेमिनार होते हैं तो हर सेमिनार में भी जो है इसको MIA को प्रमोट करने की जो बात करता हूँ कि जो लोगों के लिए अवेयरनेस की बात करता हूँ कि भैया लोग जो है इसको इसका एडवांटेज लेना चाहिए, क्योंकि जो ये सबसे हम जो है जितने भी बाहर के जो ट्रेडर्स होते हैं उसको काफ़ी सब्सिडाइज कर देते हैं जो उससे जो है अपने जो छोटे हमारे जो एक्सपोर्टर है उसके उसके जो है ईजी हो जाता है उसके लिए उसको एक्सपेंसिस। फिर भी आपके पास कोई डेटा तो होगा ना कि जैसे FIEO को इस्टेब्लिश हुए 5-6 साल हो चुके हैं इंदौर में, तो अभी तक कितने लोगों ने MAI का फायदा लिया? कुछ 150 लोगों ने तो लिया होगा। हाँ ऐसे ऑफ कोर्स 50 लोग तो लिया ही हुआ है, पर जो है हमारे इतने और इसका जो है हम अपने इसका आगे इसको और बढ़ाना चाहते हैं, आप इसको बढ़ाना चाहते हैं। जी 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 जी, अभी जो CGST रिफंड और ITC रिफंड्स का जो अभी कुछ इशू हुआ था 2-3 महीने पहले जिसमें एक्सपोर्टर्स को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, उसमें FIEO ने किस टाइप से असिस्ट किया? इसमें जो हमारे जो
प्रेसिडेंट है गणेश गुप्ता जी, वो डे टू डे हम लोग जो है कंटिन्यूसली हमारे जो अपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हम लोग संपर्क में थे जी। और जो है आपको शुरू में मालूम है कि काफ़ी समस्या आ रही थी लोगों को, छः छः शुरू में तो जो छः छः आठ आठ महीने लगे अपने पेमेंट रिफंड जी एस टी रिफंड होने में, कई लोगों की तो वर्किंग कैपिटल यहाँ ब्लॉक हो गई थी। अभी जो है क्योंकि जो है ये शुरू में शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे जो है दोनों तरफ से एक्सपोर्टरों को भी इसको समझने में तकलीफ आ रही थी, तो सरकार ने भी जो है उसको समझ रही थी, तो धीरे धीरे अब जो है काफ़ी कुछ अब ठीक होते जा रहा है। और अभी लेटेस्ट में जो है अभी तो आई टी सी रिफंड जो है आप फाइल करें और विद इन टू वीक जो है रिफंड हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे अभी युवाओं में क्रेज चल रहा है कि वो अपना खुद का स्टार्टअप लाए, इवन इंदौर में एक्सपोर्ट ट्रेनिंग के कुछ प्राइवेट सेंटर भी स्टार्टेड हो गए हैं, हालांकि फीओ भी एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग दे रहा है, उसकी भी कुछ वर्कशॉप ऑलरेडी हो चुकी है सयाजी होटल में जो आप हर साल कराते हैं, तो क्या अभी कोई भी यूथ अपना स्टार्टअप अगर एक्सपोर्ट के क्षेत्र में इस्टेब्लिश करे तो उसको क्या स्कोप रहेगा और फीओ की तरफ से क्या उसको फैसिलिटी मिल सकती है इंदौर में? नहीं, एक्सपोर्ट्स तो हम तो चाहते ही है स्टार्टअप में, और जो है कोई भी आए स्टार्टअप करे और जो है उसको जो है एक्सपोर्ट का ही विजन लेके चले, और आगे तो एक्सपोर्ट का ही ज़माना है। और जो है लॉट ऑफ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स जो आ रहे हैं, और जो चाइना भी जो ट्रेड वॉर जो चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है अपने इसका बेनिफिट ले। और रही बात जो है सबसे बड़ी बात जो स्टार्टअप में और जो छोटे मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर को जो फेस होती है वो मार्केटिंग की है, तो इसके लिए जो है फीओ हम जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम जो है अपने एग्जीबिशंस वगैरह जो है करते रहते हैं, फिर जो है बीएसएम हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर बाहर के बायर्स को हम लोग जो है इंडिया बुलाते हैं, और जो अभी कहीं बुलाया था आपने रिसेंटली, अभी गुजरात वाइब्रेंट हुआ वहाँ पर भी हम लोगों ने जो है 200 बायर्स को इन्वाइट किया था जी वहाँ पे, तो वो भी जो है काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी जो है लोगों ने काफ़ी उसका एडवांटेज लिया। तो ये थे सुबेर रामपुर वाला जो कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के एमपी चैप्टर के कन्वेनर हैं पिछले 5 सालों से, और निश्चित ही मध्य प्रदेश में और इंदौर में फीओ के आने के बाद से एक्सपोर्टरों को सुविधाएं मिली है और ये सुविधा निरंतर बढ़ती जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में यहां एक एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हब डेवलप होगा, और निश्चित ही यहाँ के एक्सपोर्टर भी जो अदर स्टेट्स हैं सच एज महाराष्ट्र है, गुजरात है, वहाँ के एक्सपोर्टरों से कंपटीशन कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने घमासान की टीम को आपका समय दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।